भाई ने ना सिर्फ अपना वचन निभाया बल्कि बहन को ऐसे मुकाम पर पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी जहां पहुंचने की हसरत तो कईयों को होती है लेकिन वहां पहुंचना सबके बस में नहीं होता। कुछ वक्त पहले तक हिंदुस्तान में कुश्ती को पुरुषों का खेल समझा जाता था लेकिन हरियाणा की फोगट बहनों ने ना सिर्फ इस मानसिकता को खत्म किया बल्कि अपने दम पर अलग पहचान भी बनाई। गीता और बबीता फोगट के भाई राहुल फोगट आज अपनी बहनों की कामयाबी पर गर्व महसूस करते हैं। राहुल का कहना है कि आज वो अपने बहनों के नाम से जाने जाते हैं। बहनों को भाई के नाम से ज्यादा जाना जाता है लेकिन ये एकदम उलट, यहाँ भाई को बहनों के नाम से ज्यादा जाना जा रहा है। कभी कहीं भी बाहर जाते हैं तो मैं गीता का बबीता का भाई हूँ तो अच्छा लगता है, लोग काफी अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं क्योंकि मेरी बहनों ने इतना देश के लिए जो इतना नाम कमाया है। फोगट बहनों ने उस वक्त सफलता की सीढ़ियां चढ़ी जब हरियाणा में महिलाओं का खेलना तो दूर उनका घर से निकलना भी पाप समझा जाता था लेकिन पिता महावीर और भाई राहुल फोगट के समर्थन से समाज की परवाह किए बिना ना सिर्फ उन्होंने घर की चार दीवारी लांघी बल्कि देश और दुनिया में नाम भी हासिल किया। समाज के तमाम विरोधों के बावजूद राहुल फोगट हर पल अपने भाई होने का कर्तव्य निभाते नजर आए। ये समाज है, समाज की मानसिकता इस टाइप की बन गई थी कि भाई लड़कियां कुछ नहीं कर सकती, सिर्फ लड़के ही। उस मानसिकता को तोड़ के महावीर जी हमारे फादर जी ने उस मानसिकता को तोड़ के आगे बढ़े हैं। वो तो स्वाभाविक बात है, जब एक मानसिकता को तोड़ के आदमी इतना बड़ा लेवल पे पहुंचता है तो लोग उसको फॉलो करेंगे। तमाम दिक्कतों और सामाजिक दबाव के बावजूद रिश्तों की अहमियत को कायम रखते हुए राहुल हमेशा अपनी बहनों के साथ खड़े रहे। उन्होंने ना सिर्फ उनके खेल को सराहा बल्कि उसे पूरा समर्थन भी दिया। आज भाई और पिता के साथ साथ पूरा देश बबीता और गीता पर गर्व करता है और इन्हीं की तरह देश दुनिया में नाम कमाना चाहता है। सुमंत कुमार, APN, दिल्ली। 1000 में तेरी बहना है।